ज्वेलर्स को हुई लूट और फायरिंग मामले में झुंझुनू रहा बंद। रविवार को झुंझुनू शहर की रोड नंबर 3 पर स्थित न्यू प्रकाश ज्वेलर्स को हुई लाखों रुपए की ज्वेलरी की लूट व ज्वेलर्स जतिन सोनी को गोली मारने की घटना के विरोध में आज सर्व व्यापार मंडल एवं सर्व समाज द्वारा झुंझुनू बंद का आयोजन किया गया है। इस दौरान दुकानें पूर्णतः बंद नजर आएंगी। सुबह 10 बजे गांधी पार्क में सर्व समाज के लोगों व व्यापारियों की आम सभा हुई, जिसमें व्यापारियों ने एक सुर में घटना की निंदा करते हुए शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं वक्ताओं ने यह आरोप लगाया कि पुलिस घटना में शामिल जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की बात कर रही है वह स्वयं चलकर थाना कोतवाली में आया था और पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि आज सब मुख्य आरोपी फरार है। वक्ताओं ने कहा कि यह राजस्थान का पहला मामला है जिसमें अपराधी यह बताता है कि पुलिस 1 घंटे बाद आएगी और पुलिस को बता देना योगेश चारणवासी आया था। ऐसे में अपराधियों में पुलिस का भय खत्म होना शर्म की बात है। आम सभा के बाद रैली के रूप में व्यापारियों का काफिला नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। कलेक्ट्रेट पर कुछ देर के लिए अंदर घुसने में पुलिस प्रशासन को बाहर बुलाने को लेकर पुलिस के साथ साथ धक्की मुक्की भी हुई। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए अंदर गया। वह बाहर उपखंड अधिकारी ने व्यापारियों के साथ समझाइश करते हुए अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वाले शिष्टमंडल में शिव किरण जानू, सुदेश अहलावत, बुद्धराम सैनी, प्रमोद खंडेलिया, तेजस्वनी शर्मा, स्वर्णकार समाज के पदाधिकारी व सांसद नरेंद्र खींचड़ भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए। स्वर्णकार समाज के सचिव श्याम सुंदर सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने जिला कलेक्टर को इस घटना के लिए ज्ञापन दिया है, साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक को भी हमने ज्ञापन देकर जो घटना हुई है उसमें कोतवाली पुलिस की लापरवाही को देखते हुए संपूर्ण कोतवाली स्टाफ को हटाए जाने की मांग सुनी। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का प्रशासन को समय दिया गया है। इसकी मियाद पूरी होने पर पूरे जिले को बंद किया जाएगा और आंदोलन को उग्र किया जाएगा। झुंझुनू राजस्थान से संजय सोनी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।